अजमेर रोड स्थित माताजी अपार्टमेंट में शनिवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से एक मकान में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार माताजी अपार्टमेंट में रहने वाले अभिषेक तंवर के फ्लैट में शनिवार सुबह इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया। लोगों ने 101 पर कॉल कर दमकल विभाग को सूचित करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी संपर्क नहीं हो सका तो किसी ने बाइक पर जाकर दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अजमेर रोड पर दादीधाम के पास बने हुए माताजी टावर में अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना अनुसार फायरवान भेजा गया और आग पर कंट्रोल पाया गया। आग फ्लैट के रूम नंबर 309 में लगी थी, जो एक रूम के अंदर थी जिसके अंदर घरेलू सामान पड़ा हुआ था, वो आग लगी। इसमें आग लगने के कारण अज्ञात हैं, जबकि पूरे ब्यावर शहर की लाइट सिटी इलेक्ट्रिसिटी बंद है आज, फिर भी आग जनी हुई है। तो अज्ञात कारण के कारण आग लगी है जिस पर कंट्रोल पाया गया। ब्यावर शहर के अंदर जितने भी फ्लैट वगैरह जो भी बने हुए हैं उनको सबको नोटिस इश्यू किए गए हैं, वे फायर सिस्टम होना अनिवार्य है, परंतु अभी तक किसी फ्लैट वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।